हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लुक्स ऑफ इंडियन गर्ल। सो आज मैं आपके लिए और एक प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ। मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो था मालियो ब्रांड का, उसका मास्कारा का आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया वो वीडियो को, तो मैंने सोचा क्यों ना मालियो के ही ब्रांड का मैं और एक प्रोडक्ट लेकर आऊँ आपके लिए, क्योंकि मैंने मालियो के बहुत से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं। इसके लिए मुझे मालियो के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल रेंज के साथ साथ उसका जो यूसेज होता है, उसका जो क्वालिटी होता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो इसलिए मैं मालियो ब्रांड का आज मालियो ब्रांड का और दूसरा प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। बिकॉज इतना समझ लो कि बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो आप यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बेहतरीन। नॉर्मली आप ये सोचते कि अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते, इतना हाई कवरेज नहीं देते, इतना फिनिश ऑफ इतना ट्रू आपके फेस पे रिजल्ट नहीं देते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ को मैं टोटली आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी। तो उसी में से ये आता है मालियो ब्रांड का जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रोडक्ट, प्राइमर। दैट इज़ द 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर एंड ये ऑयल फ्री प्राइमर है। तो फॉर ऑयली स्किन दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर एवर। आई एम सेइंग दैट दिस इज़ द बेस्ट प्राइमर एवर, बिकॉज ऑयल स्किन अगर आपका होता है तो आपके लिए ये प्राइमर इसीलिए अच्छा है। सबसे पहली चीज़ में इसके कि मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ ये ऑयल स्किन के लिए इतना अच्छा क्यों है, मैं इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। और ये प्राइमर सबसे और एक और चीज़ बिफोर आप लोगों से बिफोर बोलने के पहले बिफोर सेइंग व्हाई दिस इज़ गुड फॉर ऑयल स्किन, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये प्राइमर सिर्फ ऑयल स्किन वालों के लिए ही नहीं, बाकी जिनकी ड्राई स्किन है और जिनकी नॉर्मल स्किन है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए भी प्राइमर बहुत ही अवसर है, बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ये मैंने स्किन पे वर्क किया हुआ है, मेरा स्किन जो है 2 टाइप्स में है। एट अ पर्सन आपका स्किन टाइप ऑयली प्लस सेंसिटिव हो सकता है, बिकॉज सेंसिटिव स्किन वालों के साथ ऑयली या ड्राई स्किन हो सकता है। तो मेरा स्किन वैसी है, मेरा स्किन जो है ना ऑयली है लेकिन सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है, मेरा ड्राई बिल्कुल नहीं है, एकदम ऑयली स्किन है और सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी ये क्या है इसमें, इसका जो मैं बेनिफिट्स आपको सबसे पहले बता दूँ, बिकॉज़ ये बोला ही गया 24 कैरेट गोल्ड जेल प्राइमर। ये जेल बेस्ड प्राइमर है और इसमें जो है सिलिकॉन इफेक्ट आपको देता है, आपके जब आप भी अप्लाई करते हो आपके जो पोर्स होते हैं पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। मिनिमाइज़ करने की वजह से क्या होता है, आप जो आपका मेकअप अप्लाई करते हो वो तो सेट हो ही जाता है, वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता, उसकी वजह से आपको कोई भी स्किन में हार्म नहीं होता है आगे जाके। अगर जैसे कि मैंने आपको बोला सेंसिटिव स्किन वाले ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, कि आपके पोर्स के अंदर नहीं जाता और ना ही आपको क्या होता है मेकअप अप्लाई करने के बाद अगर आपका मेकअप अंदर चले जाता है तो जिनका सेंसिटिव स्किन है उनको क्या होता है इमीडिएटली भी आप अगर मेकअप रिमूव करोगे तो भी आपकी स्किन पर छोटे छोटे पिंपल्स टाइप, छोटे छोटे बॉल्स टाइप ब्रेकआउट्स हो जाते हैं फेस के ऊपर और किसी किसी का स्किन काला जैसा पड़ जाता है, ये एक रियलिटी फैक्ट है। तो इसीलिए ये प्राइमर बेस ये अगर आप लगाते हो, प्राइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर मेकअप बेस, अगर आपको परमानेंट थोड़ा सा आप कह सकते हो मोर देन 7 to 8 hours का अगर आपको मेकअप करना है या फिर आपको RN ऊपर का भी करना है, 1 RN ऊपर का भी मेकअप करना है तो भी आपको प्राइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्राइमर आपकी बेस को फ्लॉलेस कर देता है। आपका जो आप प्राइमर एक आपको प्रोटेक्टिव स्किन प्रोटेक्टिव एक लेयर क्रिएट कर देता है फेस के ऊपर और जो पोर्स आपके होते हैं ना यहाँ पर नोज एरियाज में और जिनके गाल पर अगर पोर्स होते हैं ना बिग पोर्स, उसको मिनिमाइज़ करते हैं, बहुत हद तक मिनिमाइज़ करता है। और इनफैक्ट और जिनका छोटा पोर्स होता है तो उनका तो ऑलमोस्ट हाइट जैसा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है मेकअप आपका प्रोडक्ट अंदर नहीं जा सकता है और उसकी वजह से आपका मेकअप जो आप करते हो एकदम फ्लॉलेस हो जाता है। फ्लॉलेस के साथ साथ स्किन क्लियरिटी एकदम आ जाती है, उसमें शाइन आ जाती है, लाइवलीनेस आ जाती है। एंड नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बोलना है मुझे कि आपको इसमें जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक्चुअली जो डिस्क्रिप्शन में दिया है मुझे वही चीज़ आपको बता रही हूँ, ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू दे रही हूँ। और आप जैसे कि जानते हो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, एक नहीं दो नहीं, मैंने बहुत बार यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको ये रिव्यू दे रही हूँ। और जैसा इसमें डिस्क्रिप्शन में बोला है यस उस हिसाब से ये एग्जैक्टली वही चीज़ देता है, आपकी स्किन को स्मूथन कर देता है। एंड एक और चीज़ है कि आपकी स्किन को स्मूथन कर देता है एंड आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करके आपका स्किन को एकदम फिनिश अप देता है, टाइट रखता है। तो ये इसका बेनिफिट है मालियो का। नेक्स्ट
और नेक्स्ट ये आपकी स्किन को इवन आउट कर देता है। इवन आउट इन दिस सेंस, जब आप बेस अप्लाई करते हो प्राइमर के बाद तो आपका फेस केकी बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप नॉर्मली अप्लाई करोगे डायरेक्टली फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम भी अगर आप अप्लाई करते हो विदाउट प्राइमर, तो आपकी स्किन को एकदम केकीनेस जैसा और एकदम ड्राई और खिंची खिंची सी स्किन आपकी लगेगी, ये फॉर श्योर है, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए अगर आप प्राइमर यूज़ करते हो तो आपका मेकअप तो लॉन्ग स्टे करता ही करता है, ये तो सबसे बेसिक इसका रिजल्ट है। बट इसके अलावा आपके जो फाइन लाइन्स रिंकल्स होती है आईज़ के एरियाज़ में या फिर गाल में, आप जो स्माइल करते हो आपके लिप्स के एरिया में, यहाँ पर ये सब जो फाइन लाइन्स होती है आपके चिक्स पे, थोड़ा सा ऐसा फाइन लाइन्स किसी किसी की आती है, ये आपके झुरिया जैसा कुछ दिखता है फेस के ऊपर, एनी फाइन लाइन्स एनी स्मॉल स्मॉल रिंकल्स, वो सब चीज़ को इवन आउट कर देता है और आपके मेकअप बेस को एकदम फ्लॉलेस स्मूथ बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा देर तक रखता है। और एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगी, प्राइमर का एक और इफेक्ट ये होता है कि अगर आप आपका बेस लगा देते हो तो आपका मेकअप को किसी हद तक आपके मेकअप बेस को काला नहीं होने देता है, बिकॉज प्राइमर है। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो बिकॉज आपका अनइवन स्किन टोन होगा, होता है कि डार्क पैचेस होते हैं किसी के फेस में, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, रेड स्पॉट्स होते हैं, तो उस वजह से अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करोगे विदाउट एनी करेक्टर की बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपका वो एकदम एशिनेस जैसा फेस हो जाता है, ब्लैकआउट दिखने लगता है। तो अगर आप प्राइमर सबसे पहले अप्लाई करते हो तो कुछ हद तक वो आपका ब्लैक जो एरिया दिखता है या फिर रेड स्पॉट्स या ब्लैक स्पॉट्स कहीं पर आपको होता है लिप्स के आजू बाजू या कहीं पर भी आपको कोई स्पॉट्स है, कोई मार्क्स है, तो वो सब जो है प्राइमर से कुछ हद तक हाइड हो जाता है, बिकॉज वो चीज़ को वो एकदम उभरने नहीं देता। और उसके बाद नेक्स्ट जो आप करेक्टर अप्लाई करते ही करते हो, राइट। सो ये रहा प्राइमर का बेनिफिट्स। और हाँ, अगर जिनका ज़्यादा फाइन लाइंस, अगर जिनका ज़्यादा स्पॉट्स नहीं है, थोड़े बहुत ब्लैक स्पॉट्स है, एकदम थोड़े बहुत लाइट रेड स्पॉट्स है, अगर वो भी ये प्राइमर के यूज़ करते हैं तो उनको करेक्टर की यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, जिनका लाइट है उनकी बात कर रही हूँ। बाकी तो अगर जिनका एकदम डार्क है तो उनको तो करेक्टर की ऑब्वियसली नीड पड़ती है। सो दिस आर दी बेनिफिट्स ऑफ दिस। एंड जिस तरह की इसमें बोला गया 24K गोल जेल प्राइमर, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, तो ये जो प्राइमर है ये आपको थोड़ा सा टिल्ट इफेक्ट जैसा दे रहा है। टिल्ट इफेक्ट इन द सेंस, एकदम सा टिल्ट इफेक्ट नहीं देता है, बट आपकी फेस पे गोल्डनिश शाइन देता है। जब आप प्राइमर अप्लाई करोगे ना तो यू विल फील लाइक एकदम जेल बेस्ड लाइक सिलिकॉन बेस्ड गोल्डन इफेक्ट आपके फेस पर छोड़ता है, जिसकी वजह से आपका फेस गोल्डनिश वे में शाइन करता है, आपका फेस एकदम ग्लो करता है विथ शाइन, एकदम डूई सा प्यारा सा एकदम लगने लगता है। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राइमर। और ये प्राइमर यूज़ करने के पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको अपना हैंड वॉश कर लेना है, क्लीन हाथों से लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये प्राइमर अप्लाई करना है, प्राइमर आपके पोर्स के अंदर जाएगा, सो क्लीन हाथ से इसे अप्लाई करिए। और आप प्राइमर अप्लाई करने के पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र या कोई भी सीरम या कोई भी मिस्ट अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं तो एटलीस्ट आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप प्राइमर अप्लाई करिएगा, बिकॉज वो और ज़्यादा आपको अच्छा लगता है फेस के लिए, और ज़्यादा आपका फेस को स्मूदन करने में आपके फेस को और ज़्यादा हेल्प करता है। तो दिस आर द बेनिफिट्स, और उसके बाद आप कोई भी बेस अप्लाई कर सकते हो। सो ये रही है प्राइमर की बात। अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस गाइस बहुत ही अफोर्डेबल है, जैसे कि मैंने बताया आपको इसका प्राइस, आपको ये आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, अमेजोन पर भी अवेलेबल है एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स हैं वहाँ पर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो उनका डिफरेंट प्राइसेस हो सकता है, बट ऑल डिफरेंस कितना, 19-20 का डिफरेंस है। कहीं 200 के अंदर का प्राइमर है तो कहीं 180 का कोई सेलर दे रहा होगा, तो कहीं 190 का कोई सेलर दे रहा होगा, ऐसा होगा। बट 230-200 के अंदर की ही रेंज का ये प्राइमर बेस है, और इसका 40 ml क्वांटिटी है, एंड बहुत ही अच्छा है, फ्लॉलेस फिनिश है इसका, बहुत ही शाइनिंग फ्लॉलेस फिनिश है, एंड लॉन्ग लास्टिंग तो है ही है। जेल बेस्ड है, सिलिकॉन बेस बोलना चाहूँगी मैं, जेल बेस सिलिकॉन बेस, बिकॉज वो इफेक्ट मुझे दिखा है एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट इफेक्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम कॉटन लाइक सॉफ्ट इफेक्ट लगा मुझे तो ये अप्लाई करने के बाद। सो दिस इज इट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो हाँ, और एक चीज़, आप लोग यूज़ तो करते हो गाइस, यूज़ करते हो, सब्सक्राइब भी कर लो चैनल, सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे आगे आपको और डिफरेंट वीडियोस भी मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लो, इसी तरह की वीडियो और आगे आगे आने वाले हैं, आते रहते हैं। मेरे मेकअप वीडियोस बहुत से हैं, मैंने डाल चुकी हूँ, चेकआउट करिए मेरे वीडियोस, अलग अलग सीज़न में, अलग अलग फेस्टिव सीज़न में मैंने मेकअप लुक्स क्रिएट किया है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ओके, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।